So Balraj and Deepti, welcome to Times of India. Thank you so much. Thank you, ma'am. And you know, शादी को अभी थोड़ा टाइम तो हो गया है, लेकिन ये फेज कैसा लग रहा है बैचलरहुड से शादी का? सबसे पहले आपसे बलराज, बैचलरहुड में मैं अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जीता था, और बैचलरहुड मैंने अपनी मर्जी से डिसाइड किया गिव अप करने का। तो अभी जो मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी की तो नहीं है, लेकिन बेटर है पहले से। मतलब मैं पहले जो मन में आता था वो कर लेता था, अब मैं जो मन में आता है वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मोहतरमा वक्त वक्त पे मुझे बताती रहती है कि ये गलत हो सकती है चीज, ये ठीक नहीं लग रही है, अगर आप आज नहा लोगे तो ठीक लगोगे, आप बाहर जा रहे हो तो मुंह धो के जाना, ये क्यों पहना हुआ है, ये पहनो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। जैसे अभी मैंने सोचा था बाल खोल के कर लूंगा, चीज लाइक रबर लगा लो जरा, मेरे बाल खुले हुए हैं तो दोनों एक जैसी बहने नहीं लगनी चाहिए। तो लाइफ बदल गई है, बट आई थिंक इट्स इन अ पॉजिटिव वे, बेटर हो गई है काफी, और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इससे बेटर टाइम शायद नहीं था, क्योंकि जनरली हम आर्टिस्ट लोगों को शादी के बाद ब्रेक लेना पड़ता है बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बिल्कुल, शादी के टाइम पे हमको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, ये पेंडेमिक आया, सभी बंद था, तो ना मुझे शादी के बाद ब्रेक लेना पड़ा, ना मुझे शादी के लिए छुट्टियां लेनी पड़ी, ऑलरेडी सब काम धंधे बंद पड़े हुए थे, तो उस तरीके से भी ये हो गया। और दूसरा एक चीज से मैं बड़ा खुश हूँ कि जब भी शादी होती है ना, तो आप कितने भी दोस्तों को बुला लो, कोई ना कोई छूट ही जाता है। फिर वो नाराज रहता है, मेरे सारे नाराज हुए क्योंकि किसी को बुला ही नहीं पाया मैं, एक भी आदमी को नहीं बुला पाया, किसी एक को मौका नहीं दिया आपने, सबको मौका दिया, किसी एक को मौका नहीं दिया कि तूने उसको बुला लिया। मेरे को याद है मेरी एक बार कपिल भाई से बात हो रही थी, इसलिए यार बलराज इतनी तैयारी की शादी में, इतने पैसे खर्च किए, लोग बुलाया, फिर भी यार कुछ लोग छूट गए। तो मैंने कहा भाई सही बात है आपकी, मैं भी छूट गया था उसमें से। तो भाई तो मैंने वो मौका नहीं दिया किसी को, कोई बोले कि तूने उसको बुलाया मुझे नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। 25 लोगों की परमिशन थी, बीच में 3 फोटोग्राफर थे, एक पंडित जी थे, बाकी 21 लोग थे, और 21 में थे हम दूल्हा दुल्हन और बस हमारे घर वाले। तो बहुत सही टाइम पे शादी हुई है, और बहुत बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि जितनी ऑडियंस मुझे प्यार करती थी, उतना ही मेरी बीवी को भी ऑडियंस उतना ही, जब भी हम लोग साथ में कुछ काम करते हैं या कोई चीज शेयर करते हैं, तो वो उसको उतना ही अप्रिशिएट करते हैं। अब आपकी बात दीप्ति, आपके लिए पूछना चाहूंगी कि यू नो बलराज जो बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन यू नो वो आपकी शादी होने से जस्ट पहले एक रियलिटी शो में गए थे, तो काफी लोगों को शौक लगा बट वो कहते हैं ना कि अगर जोड़ियां हम ही बना लेते तो फिर क्या होता, यू नो जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है। तो उनके नसीब में आप थी, उनका मिलना था, तो ये पूरा जो हुआ संजोग, और अब जिस तरीके की लाइफ कट रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बोला वो संयोग था, बन गया, अच्छे से बना है, अभी अच्छे से चल रहा है। That's it. तो जो मैं वो शादी वाले शो पे गया था ना, मैंने उन्हीं पैसों से शादी की है। मैंने कोई अपने काम के साथ भी गद्दारी नहीं की है। मैंने शादी वाले शो से जो पैसे कमाए, मैंने शादी पे खर्च किए। और मैंने वो शो देखा ही नहीं है, सो नो रिग्रेट्स, कुछ नहीं पता मुझे। लेकिन आपने भी नहीं देखा वो तो। अच्छा, तो मैं जानना चाहूंगी, तो अब ये लाइफ कितना एंजॉय कर रही हो आप, और कितने चेंजेस आए हैं आफ्टर बीइंग मैरिड टू बलराज? मैं बताती हूँ, जब हमारी शादी होने वाली थी ना, तब तक ये म्यूजिक के साथ इनका कोई लेना देना था नहीं, तो मेरे मन में ना एक डर था कि मेरे म्यूजिक का क्या बनेगा, क्योंकि जब इनको गाने सुनते हुए देखती थी तो मुझे लगता था कि गई मैं, अब कुछ नहीं बनेगा मेरा, क्योंकि ये कुछ और ही सुनते थे, जो मैं सुनती हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो धीरे धीरे ये मेरे म्यूजिक में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, अच्छी अच्छी चीजें ऐड ऑन करनी शुरू करी उसमें। तो ये सबसे बड़ा चेंज मेरे लिए यही था कि जो म्यूजिकली ड्रास्टिक चेंज आया इनमें, बाकी सब ऐसे ही है। बाकी अभी भी आप लोग फ्रेंड्स की तरह ज्यादा हो? हम कभी फ्रेंड्स थे ही नहीं। अच्छा, ना हम कभी फ्रेंड्स थे, ना हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। हमने देखा शादी हुई है, हमने देखा, हमको लड़की पसंद आई, हमने लड़की को बोला भाई लड़की को जैसे वो ना रोहनप्रीत ने नया कक्कड़ को बोला अपना स्नैपचैट आईडी देना। हाँ। तो ऐसे हमने सोशल मीडिया पर लड़की का अकाउंट ढूंढा, लड़की को मैसेज किए, लड़की ने हमें इग्नोर किया, हम मैसेज करते रहे, लड़की इग्नोर करती रही, हम करते रहे, लड़की इग्नोर करती रही। तो वही है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो तो आपको पूरी कायनात मिल जाती है फिर उस चीज को आपसे मिलाने के लिए। yes. तो वही कायनात ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और मान गई मोहतरमा। और ये लॉकडाउन में जब मेरे साथ थी ना तो ये अपने दोस्तों को फोन कर करके रोती थी। किस बात? मेरी पीठ पीछे अपने दोस्तों को फोन करती थी और रोती थी कि मेरा म्यूजिक गया। उसको दोस्त बोलते थे अरे तू रियाज कर लिया कर, कुछ गा लिया कर। तो बोलती थी यार मैं कैसे बताऊं ये यहाँ की हालत, ये आदमी जो सुनता है तुम्हारे कान फट जाएंगे, मैं कैसे रियाज करूंगी यहाँ पे, मैं कैसे करूंगी। और अभी आप देखो इतना इनको इतना था, कुछ हो गया कि अब तक मेरे जितने गाने बने 90% मैंने लिखे हैं, इन्हीं के लिखे हुए हैं। वाओ। तो ये वही है, पूरी कायनात के पास एक प्लान होता है। और मुझे एक दिन एक आदमी बोला तुम्हें दहेज में क्या मिला, मैंने बोला मुझे दहेज में म्यूजिक मिला है और मैं उसका पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। और जो लड़की ये सोचती थी कि यार ये बंदा तो म्यूजिक खराब कर देगा मेरा, उसके गाने से पहले मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया। इसका अभी हमने वीडियो शूट करना, मेरा हमने कर लिया हुआ है। So, बहुत बहुत एक आई थिंक लाइफ में एक नई डायमेंशन ऐड हुई है इसके आने से। एक गो टू पर्सन भी आप दोनों को मिल गया है जो कहीं ना कहीं मिसिंग था, कि हम हर चीज के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सजेशन लगता है या ऐसा लगता है लाइफ में गो टू पर्सन होना चाहिए जिस पे हम थोड़ा भरोसा कर सके कुछ डिसीजंस के लिए। वो आप दोनों को एक दूसरे में अब मिल गया होगा। उसको गो टू पर्सन मिल गया, मुझे सुपरवाइजर मिल गया। तो वो सजेशन मांग लेती है, देन शी अगर वो उसको सजेशन मांग देती हूँ और इन पे थोप देती हूँ। एक होता है ना प्रेजेंटेशन रेडी करके बॉस को दिखानी, बॉस अप्रूव करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ वो हुआ है, इसको गो टू पर्सन मिल गया कि बाबा ये ठीक लग रहा है, मैं बोलूंगा हाँ ठीक लग रहा है तो हाँ ओके, अगर बोलूंगा नहीं ठीक लग रहा बट उसको ठीक लग रहा है तो वो ठीक ही है। ओके। अच्छा बलराज मुझे बताइए, when was that time, when was the moment when you felt that you are in love with her? Never. ये क्या बात हुई? हाँ मतलब तो आपने बोला ना मुझे बंदी पसंद आई, मैंने उसको देखा और तो कहीं तो वो घंटी बजी होगी ना। हाँ मैंने घंटियां घंटियां कहाँ बजती हैं आजकल, शादी के बाद घंटे बजते हैं पूरे, फिर शादी के पहले बड़े-बड़े धमाके होते हैं। शादी के पहले की क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक दिन बात कर रहे थे 4-5 दिन पहले कि हम लोग शादी से पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। वो मुझे पसंद आई, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे उसे पहली नजर में प्यार हो गया। अच्छा। वो मुझे पसंद आई, जब मैं उससे 1-2 बार मिला मुझे ऐसे लगा कि यार ये लड़की मुझे संभाल सकती है। ओके। टोटल सेल्फिश डिसीजन था ये, टोटल सेल्फिश डिसीजन के मेरी लाइफ में जो मिसिंग है वो मुझे ये लड़की मुझे संभाल सकती है। उसको भी ऐसा लगा कि ये लड़का मुझे संभाल सकता है। प्यार व्यार तो वही नहीं था। तो प्यार कब हुआ लेकिन शादी के बाद? हाँ अब मैं मना करूंगा तो क्योंकि मैंने लाइव इंटरव्यू में मार खानी, इसलिए मैंने पूछा। तो वो तो देखो प्यार जो है ना एक रोज होता है, आपको एक बार प्यार होने के बाद वो कभी खत्म नहीं हो जाता कि हाँ मुझे हो गया और हो गया, दैट्स इट। आपको रोज प्यार होता है। जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिसको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो आपको समझो उस वक्त फिर से प्यार हो गया है ना। तो रोज होता है। अगर आपका मूड खराब है, आपको पता नहीं है आपका मूड, आपने किसी को बताया नहीं है बट आपके हस्बैंड आपके बिना बोले समझ चुके हैं एंड वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपके चेहरे पे स्माइल हो जाती है जी। तो इसका मतलब आपको फिर से प्यार हो गया उनसे एक बार और। तो ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसकी। ये रोज होता रहना, ये टाइम टू टाइम पे होता रहना जरूरी है, वरना इसकी एक एक्सपायरी डेट फिक्स होती है, वो आ जाती है और रिश्ते जो है वो टूट जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें दिखाओगे ये तो देवर मैडली लव विद ईच अदर बट एक साल बाद अलग हो गए। जी, क्योंकि वो जो वो प्यार था वो एक साल तक चलता रहा लेकिन उसके बाद दोबारा हुआ नहीं। हाँ। वो रोज होता रहता ना जब तो फिर नोक झोंक लड़ाई झगड़े वो सब चीजें जो है ये लाइफ में होती रहेंगी। अगर आपकी शादी में लड़ाइयां नहीं होती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो होती रहनी चाहिए बट प्यार भी होता रहना चाहिए, सिर्फ प्यार भी नहीं होता रहना चाहिए, सिर्फ लड़ाइयां भी नहीं होती रहनी चाहिए। तो वो मुझे इससे जब शादी के लिए घर वाले मान गए, सब चीजें हो गई, हम लोग ने एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया तब होना शुरू हो गया था। और वो होता रहता है, वो कभी इसको मुझसे हो जाता है, मुझसे रोज हो जाता है, वो अलग बात है मेरी डिग्री थोड़ी ज्यादा है इसकी थोड़ी कम है या ये मैं एक्सप्रेसिव ज्यादा हूँ ये कम है, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं। और तो वो है, बाकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन कभी भी अपना माइक देता नहीं है, आपको लेना पड़ेगा। दीप्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए वो मोमेंट कब था जब आपको लगा कि ये मेरे, अगर प्यार नहीं तो ये मेरे जीवन साथी हैं। हम शादी से पहले गोवा में मिले थे, गोवा गए थे तो वहाँ पे एक घंटी बजती है ना। हाँ। वहाँ पे वो घंटी बजी, तब मैंने शादी के लिए हाँ भी बोला था तब तो। और उसके बाद से वो प्रोसेस कंटिन्यू रहा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, वो शादी तक पहुँच गया। इसने मुझे हाँ नहीं बोला, इसने बोला घर वालों से बात कर लो, मतलब वही था तो मेरा। हाँ, उनको तो पता था ना कि घर वाले इनसे पूछेंगे तो वो घूम फिर के वो सर्कल होने ही वाला था। तो वो इनका बर्थडे बेसिकली मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे पे हम लोग गोवा गए थे और वहाँ पर ये मेरे लिए वो लेके आई थी, क्या रिंग लेके आई थी। वो मेरे साइज की नहीं थी तो इसलिए फिर वो डिले हो गया। शादी के लिए इन्होंने प्रपोज किया पर रिंग मैं लेके आई हूं, ये भी एक यूनिक चीज है। हां, मतलब बेसिकली वो मेरा जवाब था, दैट इज माय आंसर। यस, राइट राइट। तो सबसे ज्यादा रोमांटिक चीज दीप्ति, बलराज ने अब तक आपके लिए क्या की है? वो यहाँ बताने वाली नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं? ऐसी तो होगी ना। क्यों नहीं? जो देखो क्या किया मैंने तुम्हारे लिए आज तक, रोमांटिक कुछ तो किया होगा। मैंने अपने सारे अच्छे अच्छे जैकेट्स, अच्छे अच्छे हुडी इसको दे दिए पहनने के लिए। ये रोमांटिक नहीं होती ये भी तो रोमांटिक होती ना। एक बैचलर आदमी जब अपनी जिंदगी में कपड़ों से बहुत प्यार करता है, मैं तो बहुत करता हूँ। तो जब मैंने इसको एक दिन अपनी जैकेट मैंने देखा, मैंने कहा बड़ी सुंदर लग रही है, ये भी तू ले ले, ये सब तेरे पे अच्छे लगते हैं। ये भी तो रोमांस का एक तरीका होता है ना। रोमांटिक इज नॉट ऑलवेज के वाला रोमांटिक नहीं, लेकिन वो दीप्ति से पूछते हैं ना कि उनके हिसाब से क्या रोमांटिक आपने किया। तो बैक टी तो नहीं पीती है लेकिन वो गर्म पानी सुबह, ये बैक टी ना पीती है ना पीने देती है, ना ये सुबह ग्रीन टी पीती है ना पीने देती है। अच्छा, ओके। बट वो गर्म पानी नींबू और शहद के साथ। तो वो जब दिल यही कर रहे हैं। मेरे को एक बार डांट पड़ी थी कुछ 10-1 दिन पहले कि तुम बहुत ज्यादा लेजी हो गए हो। तो तब से फिर मैं इनको वो गर्म पानी में है शहद और हनी डाल के वो पिलाता हूँ। मैं सुबह वाली जो गुड मॉर्निंग मोमेंट हमारा सबसे अच्छा मोमेंट होता है। और घर वालों को शादी के लिए मनाना क्या इजी रहा, या क्योंकि उनके भी कुछ अरमान होंगे? उन्होंने बोला शुक्र है, करो। घर वाले ना गिव अप कर चुके थे घर वाले। तो मैंने आज इसकी मम्मी को फोन किया सुबह, तो मैंने बोला आंटी आपको लगता था ना आपकी बेटी कभी शादी नहीं करेगी। कह रहे हाँ। मैंने कहा इसलिए आपने उसको सिखाया नहीं क्या कहना मानते। सो घर वाले गिव अप कर चुके थे। मैंने जब बोला ना घर पे शादी करनी है, कहते कर लो। अच्छा, ओके। तो इसने बोला करनी है, घर वाले कहते कर लो। कुछ नहीं, कौन क्या कुछ नहीं पूछा किसी ने। इसके पापा मेरे पापा को मिलने गए थे, वो रिश्ता पक्का करके आ गए, मिठाई खिला के आ गए। तो वो होता ना कि अरे ये शादी करने लगे, कर लो भैया। हाँ। कर लो, वो वाला था। मनाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं था। हमसे ज्यादा हमारे घर वालों को जल्दी थी। हाँ। इसीलिए तो लॉकडाउन में पकड़ के करते, उनको था ये 6 महीने बाद कहीं और ना भागे, वो लगा ये पलट ना जाए, तो उन्होंने लॉकडाउन में शादी कर दी हमारी। हमको फंसा के बेटा रोका कर लो, शादी बाद में कर लेना, फिर रोके के बाद बेटा एंगेजमेंट कर लो, फिर कर लेना। वो ऐसे जाल में फंसा के ना बेटा पता नहीं वैक्सीन कब आएगी, माहौल कब नॉर्मल होगा, फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तुम कर ही लो। हाँ। तो वो वैसा किया उन्होंने। लेकिन मुझे ये जानना है कि लॉकडाउन में काफी सारी ऐसे भी केसेस सामने आए, ऐसी बातें भी पता चली कि कपल्स के बीच में काफी मनमुटाव होते थे, जो कपल्स नहीं भी झगड़ते थे वो भी लॉकडाउन में एक साथ रहकर झगड़ने लगे। आप लोगों के लिए लॉकडाउन कैसा रहा, क्योंकि आपकी तो नई नई कपल थे ही ना, हम तो थे ही नहीं कपल, हम तो बने लॉकडाउन में। हाँ मैं वही कह रही हूँ, तो आप लोगों ने लॉकडाउन कैसे काटा, बच गए? देखो क्या होता है अब सडनली वो जो कपल लड़ते होंगे आपस में, वो सडनली उनको एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया ना। शादी को 20 साल हुए, 20 साल बाद सडनली अब अपनी बीवी अपने पति को देख रही है, ये गंजा कौन है, ध्यान ही नहीं गया ना 20 साल वही चेहरा एक दूसरे का, ध्यान ही नहीं गया पति की तरफ 20 साल। वो अपनी लाइफ में इतना, बच्चों में इतना बिजी है, घर में इतना बिजी है, EMI में इतना बिजी है, सास ससुर कामों में इतना बिजी। सडनली जब रियलाइज हुआ कि ये कौन है, बोले ये मेरा पति है, बोले शादी के एल्बम में तो कोई और था, बोले वो 20 साल के बाद ऐसा हो गया। तो वो लोग उस सदमे में चले गए, पति अपनी पत्नियों को देख के शायद 20-30 साल बाद, कोई आदमी जो बेचारा सुबह जाके सुबह 8 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे घर आता है, आपको लगता है उसको बीवी को, मिडिल क्लास आदमी को बीवी से बात करने का टाइम मिलता होगा। वो सडनली जब उसने देखा कि ये मेरी बीवी, वो फिर वो 20-25 साल बाद जब वापस बातें करने बैठे तो पता चला ये 20 सालों में बातें ही नहीं की हैं, फिर वो गिले शिकवे सामने आते हैं, तो झगड़े हो जाते हैं कभी कभार। बट आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। yes. जिन्होंने जैसे मैं आपको अपनी खुद की बात बताता हूँ, मैंने इस लॉकडाउन में रियलाइज किया कि देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन हेल्थ एंड फैमिली। बिल्कुल, हेल्दी फैमिली से बेटर कुछ इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। yes. जो माँ बाप जिन्होंने हमें मार मार के स्कूल भेजा, या जो माँ बाप आजकल बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर, कहाँ गई है वो पढ़ाइयाँ, आप बताओ, एक साल से कहाँ गई वो पढ़ाइयाँ कि स्कूल जाना बड़ा जरूरी है। कौन जा रहा है एक साल से स्कूल? ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, मम्मी पढ़ा रही है, पापा पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो वो जो अनवांटेड प्रेशर्स लाइफ के ऊपर हम लोगों ने चिपकाए हुए थे ना, थोपे हुए थे, आई थिंक इस टाइम में वो रियलाइज अगर कर लें कि जो चीजें अनवांटेड हैं, You should not torture your kids के रोज स्कूल जाओ। You should tell your kids के पढ़ो। That's the important thing। रोज स्कूल जाना is not important। वो अलग बात है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए रोज सुबह 8 बजे उठो, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल जाओ, बट वो एक अच्छी चीज है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मारते भी हैं बच्चों को इन चीजों के लिए। तो और बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में ऐसी जो हम लोग को लगता था जरूरी नहीं है यार। पहले लगता था कि इनके बिना हम जी नहीं सकते, सडन लगा कि ये तो लाइफ में जरूरी है ही नहीं। मटेरियलिस्टिक चीजें एग्जैक्टली। सडनली आपको लगा कि यार मेरी मम्मी की हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, मेरे भाई की सेहत ठीक रहनी चाहिए, मेरे पापा ठीक रहने चाहिए, मेरी भाभी ठीक रहनी चाहिए। सडनली आपको ये रियलाइज हुआ कि हम लोग फैमिली से इतना दूर 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 चले गए कि फैमिली सिर्फ एक फोन कॉल रह गया था। बिल्कुल, जो लोग स्पेशली घरों से दूर रहते हैं कि ठीक हो, हाँ जी चलो ओके, मैं बाद में करता हूँ, दैट्स इट। लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पास खाने को थी चीजें, पीपल हु डिडंट हैव टू वरी अबाउट द फूड एंड अकोमोडेशन, उन्होंने अपनी फैमिली रिलेशंस को शायद रिवाइव किया। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि ग्रेटिट्यूड लाइफ में हमेशा रहना चाहिए कि आप जिंदा हो, आपकी फैमिली हेल्दी है, आपको खाने को मिल रहा है, बाकी सब चीजें टाइम के साथ कम ज्यादा हो सकती है, बट इस चीज के ऊपर यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट हैज टू बी द बेस्ट। राइट। दीप्ति, आपके क्या व्यूज हैं? सेम बोलेगी और ये सेम में रिपीट भी नहीं करती, सिर्फ सेम बोल देती है। SAMP 3 इंटरव्यू में ऐसा हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है, वही चीज है कि अब मैंने फील किया, क्योंकि अकेले रहे इतने टाइम से, फैमिली वैल्यूज पता चली हैं, छोटी छोटी खुशियां जो घर पे रह के आपको अपनी फैमिली के साथ मिलती है। सेम छोटी छोटी खुशियां लाइफ में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये देखो ना, आज आप भी घर पर बैठकर काम कर ही रहे। हाँ। लेकिन आज हम लोग अगर 4 बजे इंटरव्यू करने वाले हैं, उसके 5 भी बज जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 5:15 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम लोग स्टूडियोज में ये चीजें करते थे तो 15 मिनट कोई एक्टर लेट हो जाए तो जर्नलिस्ट उसके बारे में छाप देगा, अरे ये तो लेट लतीफ है। 15 मिनट कोई जर्नलिस्ट लेट हो जाए तो एक्टर, अरे यार इनको नहीं देनी यार, ये बहुत वेट कराते हैं। लेकिन आज की डेट में एवरीबडी हैज बिकम सो अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। तो समहाउ हम, शायद हम सब लोग अच्छे ही हैं, अच्छे ही थे। हमने अपने घर के बारे में भी इतना कुछ नोटिस किया है जो हम इतने सालों में नोटिस ही नहीं कर पाए। मतलब हमने जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो हमें लगा कि अरे मेरा बच्चा तो ये भी करता है, अरे आई कैन यू नो स्पेंड सच अ गुड टाइम व्हाइल कुकिंग विद माय हस्बैंड। मेरे एक दोस्त ने ये डिस्कवर किया, उसके 2 नहीं 3 बच्चे हैं। कुछ भी, ये कैसे? अरे लाइफ में आदमी बिजी होता, नहीं पता चलता आदमी को। ये थोड़ी ना तीसरा वाला क्या पड़ोसी के घर पल रहा था क्या? नहीं होता ही, आदमी भगवान जाने। तो अब अच्छा दीप्ति, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू नो यू लाइक इन बलराज? अगर कुछ बातें जो आपको बहुत पसंद है। जहाँ मैं बोल नहीं पाती वहाँ कवर अप कर लेते हैं सब बोल के। सबसे पहली बात और बहुत पंक्चुअल है, डिसिप्लिन है, जो मैं नहीं हूँ। बाकी और बहुत सारी है, ये मैंने आपको मेन बताई है। अच्छा, और आपके लिए बलराज, दीप्ति में ऐसी क्या बातें हैं जो आपको बहुत पसंद है? मेरे को फैमिली वैल्यूज ने सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक किया था वो। बाकी आदमी के अंदर जो क्वालिटीज है ना, वो 5 साल बाद आपको क्वालिटीज जो है ना वो आपको पसंद आनी बंद हो जाती हैं कि इतना भी क्या हर चीज टाइम पे करनी यार, तुम थोड़ा तो रिलैक्स रहा करो। एक टाइम होता है आपको पसंद होता है कि दिस इज ही सो पंक्चुअल यार, वो 5 साल बाद जब आप उससे इरिटेट हो जाता है, बोलते हो क्या हर चीज टाइम पे क्या हो गया, लेट हो गया आधा घंटा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो ये चीजें तो सब टाइम के साथ बदल जाती है, बट एक आपकी जो वैल्यूज होती है आई थिंक दैट वो ज्यादा लंबा चलती हैं। तो इसकी फैमिली वैल्यूज मुझे स्ट्राइक करी थी, जिस तरीके से ये मेरे फैमिली के साथ जब इसका इंटरेक्शन हुआ, जिस तरीके से ये लोग आपस में जलप हुए, और वो मुझे और ज्यादा रिलैक्स और सुकून वाली बात हुई, क्योंकि ये बड़ा ही, क्योंकि हम लोग घरों से बाहर रह रहे हैं 10-10, 15-15 साल हो गए, तो समहाउ आपको एक ये भी अंदर डर रहता है कि यार उसके अंदर भी या मेरे अंदर भी कि मेरा पति मेरी फैमिली के साथ कैसे रहेगा, कैसे डील करेगा। वो बात सही है, हम लोग आजकल मॉडर्न हो गए, बोलते हैं कि शादी तुमसे की है, तुम्हारी फैमिली से तो नहीं की, लेकिन कहना कि फैमिली कनेक्ट होती है जिन्होंने तुमको 20-25 साल पाला पोसा बड़ा किया। वो कोई धर्मशाला तो नहीं है कि आपने सारी जिंदगी उनका खाना खाया, उनके पैसों से पढ़े, उनके पैसों से आपने गाड़ियां खरीदी, कपड़े खरीदे, स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, और उसके बाद सडनली बोलते हैं कि ये तो मेरी लाइफ है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज हम लोग को नहीं भूलनी चाहिए कि our parents have invested so much in us, emotionally, time wise, जो भी उन्होंने हमारे लिए किया है। तो अगर हम लोग हम अपनी फैमिली बनाने जा रहे हैं, we will be parents one day, वो हमारे माँ बाप को भी एक होता है कि यार वो अच्छे से हमारे साथ कनेक्शन बना रहे, सब चीजें। तो उस चीज ने मुझे बहुत उस चीज पे घंटी बजी मेरी कि यार थैंक गॉड अच्छी चीज है। एंड दीप्ति, ऐसी कौन से हैबिट्स हैं इनके जो आपको इरिटेट करते हैं? मैं नहाता नहीं हूँ रोज। दीप्ति को बोलने दो, वो बोल रही मुझे बोलने दो। ये तो खुद अपने मुंह से मान लिया, रोज नहीं नहाते। हाँ यार, पानी इतना वैसे कम है। फोन, ओके, 24 घंटे में से 26 घंटे फोन चलाते हैं। ये झूठ है, ये रोज का नहीं है, ये रोज का नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ना, आप कितनी पानी की दिक्कत है, रोज नहाने से क्या हो जाता है? रोज नहाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सही टाइम पे नहाना इज इम्पोर्टेंट कि आप जब भी नहाओ अच्छे से नहाओ। जैसे शादी ब्याह में नहा लिया। हाँ, शादी ब्याह में नहा लिया, हफ्ते में 3 दिन में नहा लो, चल जाता है। रोज नहीं नहाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ये जो हम लोग बोलते रहते हैं ना कि अरे पानी बचाओ पानी बचाओ, उस कैंपेन में ये चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए कि इफ यू डोंट नीड टू हैव शावर देन डोंट गो, डोंट टेक अ बाथ इवन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सही सही, ये कोई नहीं बोलता। ये बोलते अरे अपनी गाड़ी रोज क्यों धोते हो, तो अरे अपना मुंह भी रोज क्यों धोते हो, फिर नहीं धोना चाहिए। मतलब मुंह धो लो, आई मीन टू से, बट नहाना इस समय पूछ रहा है नहा लो। हां कल शाम को ही तो नहाया था। ओके अच्छा, और कोई क्वालिटीज जो नहीं पसंद? फोन या हैबिट्स? फोन। हां 24 में से 8 घंटे समझ में आता है, 24 में से जब आप 4 घंटे के लिए सो रहे हो, 20 घंटे फोन चला रहे हो, अच्छा लाए माय लॉर्ड। ओके अच्छा लाए। अच्छा भाई आपकी बारी, अब आपकी बारी। यही बता दिया मैंने, यही कि मैंने झूठ बोला यार। पसंद ना पसंद वाला नहीं ठीक है, ये फोन आपका और 15 मिनट में कट जाना है। ओके अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहती हूँ दीप्ति आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप यू नो सिंगिंग में इंटरेस्टेड थे और आपको लगा, जैसे बलराज ने बोला कि आपकी सिंगिंग गई, और यू नो एज अ हस्बैंड बलराज कितने सपोर्टिव? दैट ही इज 100%। जो मेरा काम मुझे खुद को याद नहीं होता वो इनको होता है ऑन द वर्क नोट कि तुम्हें हाँ। ये करना था, ये नहीं किया, जाके इसको करो, इसको खत्म करो, जल्दी करो। तो इस एंड से वो जो मैंने पहले पंक्चुअल डिसिप्लिन बोला, इसी चीज को सोच के बोला था कि जो मेरी चीजें मुझे नहीं पता वो ये हैंडल करते हैं अच्छे से। So he supports your work and pushes you. He is very supportive. He pushes you to do good. Yes, yes, very much. Yes. I genuinely विश, आई जनरली वांट के जो भी जितना इसकी कैपेसिटी है जितनी, और जो जिस चीज से इसको जो गिफ्टेड है, जो इसकी आवाज और सब चीजें, तो बीइंग मैं हस्बैंड नहीं बोलूंगा बट बीइंग अ गुड ह्यूमन आल्सो, बीइंग एज एन आर्टिस्ट आल्सो, कि मैं जानता हूँ कि आपके पास अगर आर्ट है तो वो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो मैं दैट्स व्हाट आई ऑलवेज विश एंड आई ऑलवेज वांट के इसका वो जो आर्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि दुनिया के कोने कोने में जा सकती है। कॉमेडी इज नॉट दैट थिंग, कॉमेडी इज लैंग्वेज बाउंड, है ना। आपको कॉमेडी में किसी को आपकी बात नहीं समझ आ रही, किसी को कभी कभी आपकी भाषा भी आती है तब भी आपकी बात समझ नहीं आती। कॉमेडी में वो वाला स्कोप नहीं है, लेकिन म्यूजिक में वो स्कोप है। किसी को आपकी भाषा नहीं भी समझ में आती तब भी उनको आपकी चीज अच्छी लग सकती है कानों को। हाँ, बिल्कुल। तो वो इसके पास वो गिफ्ट है, एंड आई रियली वांट कि वो दुनिया के जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैंने वही बोला, अभी मेरे सारे गाने लिखे यही रहे। बलराज, आपके हिसाब से दीप्ति कितनी अंडरस्टैंडिंग है एज अ वाइफ? एज अ वाइफ तो बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, बट एज अ ह्यूमन शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। ओके ऐसे क्यों? समझ नहीं आया मुझे कॉम्प्लीमेंट था कि क्या था ये, क्या था? जब इसको बीवी की तरह ट्रीट करके अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करता हूं तो देयर आई फील एज अ ह्यूमन बी। जब इसको थोड़ा इमोशनल करके वास्ते देके समझाने की कोशिश करता हूं, देन शी अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइस। थैंक यू, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय, सी यू।